शनिदेव जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आकाश में एक बहुत शक्तिशाली शश नाम का महापुरुष राजयोग बन जाएगा। दोस्तों, जब शनिदेव अपनी स्वराशि मकर या कुंभ या अपनी उच्च राशि तुला में जाते हैं तो शश महापुरुष राजयोग बनता है। इसका फायदा हमेशा ही चार राशियों को मिलता है। जो राशियां शनिदेव से केंद्र में होती हैं, 1, 4, 7 या 10वें स्थान में होती हैं, उनका यह राजयोग बनता है। इस राजयोग में राजनीति में बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। तो जिन लोगों की वह चार राशियां हैं, 2022 से 25 तक राजनीति में उनकी सफलता निश्चित है, उनके भाग्य में सफलता लिखी गई। दूसरी बात, शास्त्र सस राजयोग के बारे में क्या कहता है, इस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। शस्तः सर्वजनः सुभृत्य बलवान ग्रामाधिपो या नृपो दुर्वृत्तः सस योग जौन्य वनिता वित्तान्वितः सौख्यवान। ये फल दीपिका अध्याय 6 राजयोग अध्याय का श्लोक नंबर 4। जिसका सस योग बनता है वह व्यक्ति बहुत धनी हो जाता है कम टाइम में। राजनीति में बड़ी बड़ी सफलताएं, मान सम्मान की प्राप्ति, व्यापार में बड़े बड़े ऐसा व्यक्ति मापदंड स्थापित करता है। तो चार राशियों की किस्मत खुलने वाली है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो मित्रों, हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठियाँ बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जन्म पत्रिका और हस्तरेखा दिखाने के लिए आप मुझे सीधे सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। जिन चार राशियों का यह राजयोग बनेगा, पहली राशि है यहाँ पर वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि से 10वें घर में कर्म स्थान में शनिदेव केंद्र में मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। तो वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वाले जातकों को राजनीति में या किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता में हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपके शनिदेव कुंडली में थोड़े से भी ठीक है तो आपकी विजय पक्की है। आप व्यापार में बड़े बड़े काम करेंगे और अपने काम को बहुत ज़्यादा यह 2 साल 11 महीने में बढ़ा लेंगे आप। दूसरी राशि है यहाँ पर सिंह राशि। सिंह लगन एवं सिंह राशि वाले जातकों को भी, चूँकि 7वां स्थान व्यापार का और पत्नी का होता है, तो आपको व्यापार में सफलताएं मिलेंगी और आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे और बड़ी सफलताएं मिलेंगी यहाँ पर आपको, छोटी मोटी नहीं। तीसरी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक धन मकर कुंभ चौथे भाव में आपके यह राजयोग बन रहा है, कोई सामान्य राजयोग नहीं है। तो आप भूमि व्यवसायी हैं तो बड़ी सफलताएं, आप होटल व्यवसायी हैं तो बड़ी सफलताएं, आप बिल्डर हैं तो बड़ी सफलताएं, और यदि आपके जीवन की शांति भंग थी तो शांति प्राप्त होगी, प्रेम विवाह के योग बनेंगे, बड़े बड़े मंत्री, राजे महाराजे, व्यापारी घर आकर आपका सम्मान करेंगे और आपको इस टाइम में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। चौथी राशि है यहाँ पर दोस्तों स्वयं कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रथम भाव में लगन में शरीर पर यह योग बन रहा है। आपको भी राजनीति में, व्यापार में, तमाम तरह के जो जीवन के अलग अलग जो फॉर्मेट है वहाँ पर बड़ी बड़ी सफलताएँ मिलेंगी। इन्जॉय कीजिए, शनिदेव का मंत्र जपिए 2022 से 25 तक, ओम सम शनिश्चराय नमः। ज़रूरतमंद लोगों को आप जूते, कंबल और शनि से संबंधित वस्तुएं दान करके ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। कामना करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए